अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के लिए वीडियो बनाने लगी हूँ, ठीक है। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी से आप क्या बेनिफिट, क्या आप फ़ायदे ले सकते हो अपनी स्किन के लिए, अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर सकते हो, अपनी स्किन टाइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको एक उसके लिए तो आपको एक कॉफ़ी के ज़रिए सब कुछ बताऊंगी कि आप कैसे अपना सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉफ़ी से स्क्रब बताऊंगी कि आप स्क्रबिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। फिर मैं आपको मास्क बताऊंगी, एक किस्म का आपका टोटली पॉलिश और फेशियल हो जाएगा, फेशियल कम्प्लीट हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट और स्किन और शाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यह वीक में एक बार कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो हमारे साथ रहें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, मैंने ये नेस्ले की कॉफ़ी ली है और ये ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो दाने होते हैं ना कॉफ़ी के, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने नींबू लेना है, लेमन मैंने 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं, और शुगर, ये मैंने शुगर लिया हुआ है, ठीक है। शुगर आप देखें तो थोड़ा पाउडर ना हो, थोड़ी मोटी मोटी हो तो स्क्रब अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर, ऐड लेंगे मैंने 1 टेबल स्पून ली है शुगर, तो शुगर मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून, जी 1 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन है ना, वो आपकी स्किन जहाँ आपको ब्लैक हेड्स फील हो आपने वहीं अप्लाई करना है स्क्रब, ठीक है। फिर हम मैंने लेमन इसमें डाल लेना है शुगर में 1 से 2 ड्रॉप। डार्क सर्कल के लिए भी अभी ये मैं आपको स्क्रबिंग बता रही हूँ, स्क्रबिंग है, मास्क का बताऊँगी, मतलब ब्लैक हेड्स के लिए। हाँ जी, ये आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स, डैमेज स्किन, जो डैमेज स्किन है जो धूप से आपकी ख़राब हो जाती है, डस्ट से ख़राब हो जाती है, नोज़ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आ जाते हैं, ये उसके लिए स्क्रब बहुत बेटर है, ठीक है ना। लोगों के ना स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं इतने बड़े बड़े, हाँ। तो वो यूज़ कर सकते हैं वो जैसे, हाँ। नहीं जो पीप वाले, हाँ। पिंपल होते हैं ना उनके लिए नहीं, लेकिन जो नॉर्मल पिंपल होते हैं ना, जो डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, अपने निशान पिंपल मार्क्स छोड़ जाता है अपना, उसके लिए भी ये बहुत बेटर है, आप उसके लिए भी ये स्क्रब यूज़ कर सकते हो। और आपका ये जहर ने पूछा डार्क सर्कल्स के लिए, आपने जब स्क्रब करना है उसके बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे आपके डार्क सर्कल है वहाँ पे आपने लगा के 2 मिनट 3 मिनट छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब आप मास्क अप्लाई करेंगे ना, वो भी बहुत अफेक्ट करेगा आपके डार्क सर्कल्स को, ठीक है। अब मेरे पास एक कॉफ़ी का पैकेट है छोटा सा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेंड मैंने डाल दिया है, कॉफ़ी भी डाल दी है, ये आप देख सकते हैं पैक बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइजिंग के लिए है, क्योंकि आप ऑलमंड ऑयल भी ले सकते हो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे स्किन के लिए, और कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है, स्किन को डीप क्लीन करता है। तो आपने ये भी 3 से 4 ड्रॉप डाल लेना, ठीक है। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, लेमन जो होगा ना वो शुगर और ना कॉफ़ी के साथ मिक्स होकर जब आपकी स्किन पर लगेगा ना, आप यकीन करें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। ये डालने के बाद आप इसको आप ज़ैनब मिक्स करें, ज़ैनब आप मिक्स करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, अगर आपने कुछ पूछना होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ज़ैनब मलिक डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। टिकटॉक आईडी भी है और इंस्टाग्राम भी, आप वहाँ पे भी फॉलो करें, और जैसे आप हमें यहाँ प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वहाँ पे भी दें। आप जब मेरी वीडियोस लाइक देते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, फिर दिल चाहता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। तो अब ये ज़ैनब ने स्क्रब बना लिया, अभी हम आपको इसको फेस पर अप्लाई करके दिखाते हैं कि आपने फेस पर कैसे अप्लाई करना है। जी फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रब बनाया था, मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला, मैंने इसके अंदर कॉफ़ी डाली, मैंने इसके अंदर शुगर डाला और थोड़े से ड्रॉप हमने लेमन के लिए, ठीक है। अब आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं, आपने ऐसे लगा देना, आपने जो इसका कॉफ़ी का ये सारा आपका बना है, आपने जो आपके डार्क सर्कल्स आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है ऐसे, और छोड़ देना है। बाकी जहाँ आपके नोज़ पे, चिन पे, जहाँ आपको ज़रूरत है, आपने उसको ऐसे से स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। ये जो शुगर होगी या आपकी स्किन को और ब्लैक हेड्स को सारा रिमूव करेगी, वाइट हेड्स को और ब्लैक हेड्स को, ठीक है ना। आपने ऐसे ऐसे इसको स्क्रब करते जाना है शुगर के साथ साथ, ठीक है। चिन पे करें, नोज़ पे करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट स्क्रब करें,
स्क्रब करने के बाद आपने फेस वॉश कर देना है। फेस वॉश करने के बाद आपको मास्क लगाने का तरीका बताऊंगी कि हम कॉफ़ी का मास्क कैसे बना सकते हैं। या आप समझिए, ये आपका आपको पार्लर सलून जाकर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपका इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। आपने उसी वक्त आपने ये करना है, ये आपका स्क्रबिंग भी हो गया, पॉलिशर भी हो गया और आपका मास्क लग गया, टोटली आपका फेशियल हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर मॉइस्चराइज भी है, मॉइस्चराइज भी होगा आपका स्किन और आपकी सारे रिमूव जो डेड स्किन है वो भी रिमूव होगी। कॉफ़ी हमारे एचपी लेवल को बहुत अच्छा बैलेंस देती है, ठीक है, और जो कॉफ़ी है हमारी स्किन को ब्राइटनिंग देती है। कॉफ़ी पीने से भी हमारा वेट जो है वो कम होता है। आप ये कॉफ़ी फेस पे लगा रहे हैं ना, इससे क्या होगा, लगाने से हमारा ना स्किन का जो फैट होता है ना वो भी कटता है, ठीक है ना। तो कॉफ़ी पीनी भी चाहिए, पीने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और लगाने के लिए भी, ठीक है। ये ऐसे आपने नोज पे स्क्रब करते रहना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको करती हूँ 5 मिनट, 5 मिनट के बाद इसको वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखा। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने ज़ैनब का फेस वॉश करवा दिया, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, नोज़ कितनी शाइन कर रही है, इसके सारे ब्लैक हेड्स खत्म हो गए हैं, वाइट हेड्स जितने थे नोज़ पे सारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमने की थी स्क्रबिंग, अब हम करेंगे मास्क बनाएंगे, कॉफ़ी का ही मास्क बनाएंगे, जिसके लिए हमने अंडा लिया है बग़ैर जर्दी के, सिर्फ हमने सफ़ेदी लिया, ठीक है। उसके अंदर डाल देंगे हम एक पैकेट कॉफ़ी का, ये मैंने खोला हुआ था पहले से ही, तो ये मैंने पूरा एक पैकेट ही डाला है, ठीक है, छोटा सा पैकेट है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ना कॉफ़ी निकलती है। उसके बाद हमें चाहिए हनी, हमने हनी डाल देना है इसके ऊपर। हनी आपने लेना है सिर्फ, आप अपनी फिंगर से इतना सा थोड़ा सा ले सकते हैं हनी, इतना ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी शुगर के साथ भी स्क्रब किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ज़ैनब अच्छे तरीके से फेंट लेगी, अच्छा सा मास्क बना लेगी, फोमी टाइप का फोम फोम बन जाएगा, जैसे कि फोम टाइप होता है, क्रीम क्रीम सी होती है वैसे। तो इसको ज़ैनब 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फेंट लेगी। अभी जी फ्रेंड, जैसे कि ज़ैनब ने देखा ये फेंट लिया है, फेंटने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉफ़ी का जो एक एक दाना था वो बिल्कुल मर्ज हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि बिल्कुल मेल्ट हो गया उसके अंदर, फैदी के अंदर। तो इसके अंदर हमने लिया है कॉफ़ी ली है, अंडा लिया है और हनी लिया है, ठीक है। अब मैं ब्रश की मदद से ना इसको ज़ैनब के फेस पे अप्लाई करूँगी, आपके सामने करूँगी, आप देखें। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं फेस पे, मास्क लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं या उतारने लगते हैं, तो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ही हमेशा लगाना है, ठीक है। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइटनेस देगा, ठीक है ना। तो आपने इसको ऐसे ऊपर करना है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। आपने अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। मैं तो ये करती हूँ घर में, मैं और हफ्ज़ा ये करते रहते हैं, हमें ये मुझे और हफ्ज़ा को ये बहुत सूट करता है। और वैसे ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसका ना तो आपको कोई अगर आप फ़ायदा नहीं हो रहा ना आपको, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर बाज़ लोगों को नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है ना। ये नेचुरल सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहले तो आप ये जितने भी ब्लैक हेड्स हैं ना, ये जो पिंपल्स के मार्क्स छोड़ देते हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी स्किन लाइट और ब्राइटनेस में जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। और इस मास्क का सबसे पहले ये फ़ायदा है कि आपकी स्किन टाइट करेगी, आपको आपकी एज से कम दिखाएगी, ठीक है ना। तो देखिए कितना फ़ायदा है इसका, तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है और अप्लाई करके मुझे बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा, ठीक है। बहुत सी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और बताते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और ऐसे आप बता रहे हैं कि आप, मुझे इतना पता चल रहा है कि आप लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ज़ैनब को मास्क लगा दिया, मास्क मैंने छोड़ देना है, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको छोड़ देना, उसके बाद मैंने फेस वॉश करवा देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, इंस्टेंट रिज़ल्ट आएगा, उसी वक्त आपको पता चलेगा स्किन ग्लो किया है और स्किन ब्राइट हुई है, ठीक है। चलें आप हमारे साथ रहें। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने इसको टाइम दिया था थोड़ा, ताकि मास्क ड्राई हो जाए ज़ैनब का, आप देख सकते हैं ज़ैनब का फुल मास्क ड्राई हो गया, नोज़ से भी ड्राई हो गया। अब मैं इसको वॉश करवाऊंगी, वॉश करवाने के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। आपने जाना नहीं है कहीं, पूरी वीडियो देखनी है और साथ साथ लाइक भी देना है, सब्सक्राइब भी करना। जी फ्रेंड, फाइनली हमने ज़ैनब का
फेस वॉश करवा दिया है। फेस वॉश करवाने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, इंस्टेंट ब्राइटनिंग आई है, ग्लोइंग आई है, नोज़ से सारे ब्लैक हेड्स चले गए, जैन की नोज़ इतनी सॉफ्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले इसके इसको जैनब को ब्लैक हेड्स आते हैं, वाइट हेड्स नहीं आते, ठीक है। तो आपको मैंने स्क्रबिंग का तरीका भी बताया है कि आपने कॉफ़ी के साथ स्क्रब कैसा करना है, और फिर मैंने इसको मास्क का तरीका भी बताया, ठीक है। आपने जो अभी से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शुरू से मेरी वीडियो देखे हैं तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें ऐसे प्यार देते रहें, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और मेरी अम्मा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और मेरे अब्बा के लिए, मेरे बाबा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें ऐसी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमारे सरों पे सलामत रहें और जानवरों से प्लीज़ प्यार करें, ठीक है। तो आज का आपको रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में आपने लाजमी बताना है। कल हम मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, कल भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है तो आपने देखनी है लाजमी, और आप शेयर करें आगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बार बार यही कहती हूँ, शेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे नई वीडियोस बना सकूँगी मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।